अभी हमने क्या पढ़ा था कि अर्थ के ऊपर ही जी का वैल्यू थोड़ा वेरी करता है, तो पोल्स पे जी का वैल्यू ज्यादा होता है और इक्वेटर पे जी का वैल्यू कम होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है, फिर क्वेश्चन क्या उठेगा, ऑब्वियसली अभी तो हमने किसकी बात की थी, सरफेस की बात की थी, पोल्स के सरफेस पे और इक्वेटर के सरफेस पे। अब क्वेश्चन आता, सर अगर हम ऊपर जाए तो, आसमान में जाए तो जी का वैल्यू का फर्क पड़ेगा, डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, और हम जमीन के अगर अंदर जाएं तो क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो मैंने आपको एक टेबल दी, आप जितना जितना अर्थ में ऊपर जाते जाओगे तो आपका जी का वैल्यू क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। एग्री कर रहे हो, क्या रीजन है इसका, कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपका जी का वैल्यू कम होता रहा है। 200 किलोमीटर ऊपर गए 9.23, 1000 किलोमीटर ऊपर गए 7.34, 5000 किलोमीटर ऊपर गए 3.08, 10000 किलोमीटर 0.57। यस, तेजन बोला डिस्टेंस इंक्रीजेस, डिस्टेंस बढ़ रहा है क्योंकि आर का वैल्यू आपका कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। जब आर का वैल्यू बढ़ेगा तो जी का वैल्यू नीचे आएगा ही आएगा। सब लोगों को एकदम लॉजिक क्लियर कि जब, इसलिए आप पाओगे कि भाई जो अर्थ सरफेस है उसके ऊपर जी का वैल्यू सबसे ज्यादा है, कितना है 9.8। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे आपका जी का वैल्यू भी नीचे आता जा रहा है। डू हैव टू लर्न, नहीं आपको इनको याद नहीं रखना, बट आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि आर का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है इसलिए जी का वैल्यू कम हो रहा है। अब सर दूसरा क्वेश्चन आता है, अब सर जमीन के अंदर जाए तो अब बताइए जी के वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा। यस, देखिए अब यहां पर थोड़ा लॉजिक लगाना, लॉजिक लगाना, इसमें एक रहस्य छुपा हुआ है। अगर हम मान लो अर्थ के अंदर जाने लगे ऐसा ऐसा अंदर, तो क्या होगा, आर का वैल्यू देखो कम होता जा रहा है, आर का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो बताओ जी का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज। डिक्रीज क्या बात है, कैसे कैसे रीजन लिख दो, फिर डिक्रीज होगा तो क्यों होगा, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है। व्हेन वी, व्हाट अबाउट वैल्यू ऑफ जी व्हेन गो इनसाइड, क्या रीजन होगा। तो भाई अब रेडियस तो सर कम हो रहा है, आपने कहा था रेडियस जब कम होता है, जब डिस्टेंस कम होता है तो जी बढ़ जाता है, आपने कहा था, और आप अभी क्या कह रहे हो कि जी व्हेन गोइंग नियर सेंटर इंक्रीज होगा। अरे कुछ रीजन लिख दो, जैसे जिन डिक्रीज लिखा है डिक्रीज से अपना रीजन लिख दो कि सर इसलिए डिक्रीज होगा, और जो इंक्रीज कहना चाहता है वो बताओ कि इंक्रीज क्यों होगा। जैसे आपने जय लिखा ना गोइंग नियर टू द सेंटर, और आपने डिक्रीज लिखा इंक्रीज लिखा, वो बताओ मेरे को। मैंने आप सिंपल चीज पूछी है, जब जब क्रस्ट से सेंटर की तरफ आ रहे हैं तो आर आपका कम हो रहा है, सबको दिख रहा ना, रेडियस कम होता है, रेडियस कम होता जा रहा है, और एकदम सेंटर में जाके एकदम रेडियस जीरो हो जाएगा। तो जब रेडियस कम होता है तो ग्रेविटी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए बहुत ज्यादा, फिर भी सब लोग डिक्रीज लिख रहे हैं। डिक्रीज बिकॉज ए डिस्टेंस इज लो, नहीं ये लॉजिक गलत है। देखो जी का वैल्यू, आपको मैं हिंट देता हूं, जी का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है, जी के ऊपर डिपेंड करता है, एम के ऊपर डिपेंड करता है, और आर स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है। जी का वैल्यू केवल आर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है और इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, केवल अकेले आर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। चलिए अब मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूं, नहीं ये देखो ध्यान से कि क्या होता है एक्चुअल में, जब हम अर्थ के अंदर, समझो आपका अर्थ है, जब इसके अंदर गए, समझो आप इस पोजीशन पे आ गए मान लो, तो अब एक्चुअल में आपका अर्थ ऐसा रह गया, आपका रेडियस तो कम हो गया, पहले रेडियस ये था, ठीक है ना, मतलब पहले रेडियस ये था बिगर आर, अब रेडियस कितना बच गया, ये बचा ना आर, तो आपका आर तो कम हो रहा है, बट साथ साथ में देखो ये जो पोर्शन है अर्थ का,
आप इसको काउंट नहीं करोगे, क्योंकि तो आप इस पॉइंट पे अर्थ का जी निकालना चाह रहे हो। इसका मतलब जो बाहर का मास है वो भी आपको छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, मास भी कम हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, मास भी कम हो रहा है। इसलिए जैसे जैसे हम सरफेस से अर्थ के अंदर जाएंगे, अर्थ के अंदर जाएंगे, एक तो आपका आर भी कम हो रहा है और आपका मास भी कम हो रहा है, क्योंकि हमको ऊपर का एरिया छोड़ना है, हम इसको काउंटअप नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा, अंदर जाते जाते आपका जी का वैल्यू कम होता रहेगा और एकदम सेंटर पे कितना हो जाएगा जी का वैल्यू, जीरो। आए सबको लॉजिक समझ में? केवल रेडियस कम नहीं होगा, आपको वो मास भी ले ऑफ करना है, क्योंकि आप उस पॉइंट पे निकालोगे तो बाहर का मास नहीं, आप यहाँ का मास नहीं पकड़ सकते। है ना मस्त लॉजिक एकदम? तो इसका मतलब क्या हुआ कि वैल्यू ऑफ जी मैक्सिमम कहां पर होती है, सरफेस पे, और सरफेस से मैक्सिमम कहां पर होती है, पोल्स पे होती है। ठीक है, ऊपर जाएंगे तो भी जी कम होगा, नीचे आएंगे तो भी जी कम होगा, केवल इस सरफेस पे वैल्यू ऑफ जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा। ये आपका एक्सेलरेशन ऑफ द ग्रेविटी का कंसेप्ट है पूरा। ये वैल्यू कैसे निकलती है, ये ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ये ऊपर जाएंगे तो कम होती है, ये अर्थ के अंदर जाएंगे ये तब भी कम होती है, ये सरफेस पे मैक्सिमम होती है, और भी मैक्सिमम कहाँ पर होती है, पोल्स पे होती है। सब लोग एग्री, सब लोग मेरी बात से सहमत हैं? किसी को कोई डाउट कोई शक पूछ सकते हो, पर हम एक दो न्यूमेरिकल और करेंगे इसके ऊपर। शुभ, मैंने यही कहा बेटा जी, सरफेस पे मैक्सिमम जी का वैल्यू, एटमॉस्फेयर में ऊपर जाएंगे, एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, तो जी का वैल्यू कम होने वाला है। जब अंदर सेंटर की तरफ जाएंगे तब भी जी का वैल्यू कम होगा, और सरफेस पे भी पोल्स पे मैक्सिमम होगा, ये अपने को याद रखना। हाँ भाई निश्चित, क्या नहीं समझा आपको? जीरो के साथ में रीजन भी लिख दिया करो कि सर ये चीज नहीं समझा। निश्चित बोलो बेटा जल्दी, ताकि हम अगले क्वेश्चंस करें। अब क्लियर हो गया आपको, या अभी भी डाउट है? चलिए गुड। अब इसके बेस पे हम लोग एक दो मेकोल करेंगे। अभी हमने क्या निकाला कि भाई अर्थ के ऊपर जी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अभी देखो जी हमारा क्या होता है, हमारा जी क्या होता है, जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो जी का वैल्यू तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, ये पूरी यूनिवर्स में सेम रहेगा। कितना रहेगा, 6.67 × 10 की पावर -11। अब दो चीज बचे, एक एम बचा और दूसरा आर। एम क्या था, मास ऑफ अर्थ, और आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। इसका मतलब ये हुआ, ये हमने जो जी का वैल्यू निकाला है कितना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये किसके लिए एलिजिबल है, ये अर्थ के लिए एलिजिबल है केवल। ये जो बड़ा जी होता है ये यूनिवर्स के लिए एलिजिबल है, याद रखना। ये जो बड़ा जी होता है जिसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट कहते हैं, ये पूरे यूनिवर्स के लिए सेम रहता है। लेकिन जो स्मॉल जी है ये केवल अर्थ के लिए है, ये याद रखना। इसका मतलब ये होगा कि भाई मार्स पे जाएंगे, वहां का जी अलग निकलेगा, क्योंकि वहां का मास अलग है, रेडियस भी अलग है। मून पे जाएंगे वहां का जी अलग होगा, सन पे जाएंगे वहां का जी अलग होगा। हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में निकालते हैं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। भाई हम मून पे चले गए मान लो, तो वहां पर जी का वैल्यू कितना आएगा, तो देखो आपको एम मास दिया है, मास ऑफ मून कितना है, 7.4 × 10 की पावर 22 kg। आपको रेडियस ऑफ मून दिया है 174 किलोमीटर। चलो मेरे को जी का वैल्यू निकाल के दिखाओ फटाफट। ये आपका बन जाएगा 1.7
इंटू 10 की पावर 6 मीटर। चलो मैंने कन्वर्ट कर दिया, बताइए जी का वैल्यू कितना आएगा। तो जे हमको अगर किसी भी प्लेनेट का अगर जी निकालना है, हमको उसका मास पता होना चाहिए, हमको रेडियस पता होना चाहिए। हम यूनिवर्स में किसी भी प्लेनेट का जी निकाल सकते हैं कि वहां पर कोई ऑब्जेक्ट जब फ्रीली फॉल करेगा तो वो कितने जी से नीचे गिरेगा। इसको अच्छे में दो तरह से समझा जाता है, ये जी अच्छे में दो तरह से काम करता है, बताता हूँ कैसे। जैसे आप अर्थ पे हो या आपका अर्थ सर्फेस है, ठीक है, ऊपर से जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है इसको कहते हैं एक्सेलरेशन। ये कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर कोई ऑब्जेक्ट आप नीचे से ऊपर फेंकोगे इसको कहते हैं रिटार्डेशन, क्योंकि ये नेगेटिव, ये प्लस होता है, ये -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। अब ये लॉजिक कहाँ काम करता है, जो आप ये स्पेस एयरक्राफ्ट बनाते हो, जो हमारे कहाँ जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, तो इसको अगर अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को पार करना है तो उसको अपना एक्सेलरेशन इससे ज्यादा रखना पड़ेगा। कितने से? 9.8 मीटर स्क्वायर से ज्यादा रखना पड़ता है। ये उसको हम क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी मतलब वो वेलोसिटी जिससे ये जो रॉकेट्स होते हैं ये अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स को कट करके स्पेस में चले जाते हैं। तो ये जी जो होता है हमेशा 9.8 मीटर पर सेकेंड से बढ़ा रहेगा। वो 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, उस बॉडी के ऊपर जो रॉकेट है भाई उसके ऊपर कितना मास लगा है काफी सारी कैलकुलेशन करने के बाद, ये तो क्लियर है, बट इससे ज्यादा होगा। अब सुन रहे हैं कि जो रॉकेट डिजाइन होते हैं ये जी उतना ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। इसलिए मैंने कहा ना फिजिक्स का ये चैप्टर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो खासकर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, एरोनॉटिकल में जाना चाहते हैं, तो उनको क्लियर होना चाहिए भाई डिजाइनिंग छोटे से फैक्टर जी के ऊपर बैठती है, तो उनको बड़ा जी पता होना चाहिए, एम और आर पता होना चाहिए। तो तुम बैठे बैठे देखो साइंटिस्ट बन गए भाई, तुमको अपना रॉकेट ऊपर भेजना है। जब हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम जब पत्थर ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है, पत्थर ऊपर जाके नीचे आता है। क्यों आता है भाई, पत्थर ऊपर गया और यहाँ जाके उसका वी जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने जब इसको फेंका तो हमने उसको इतने एक्सेलरेशन से नहीं फेंका, 9.8 मीटर पर सेकेंड। मुझे इस स्पीड से जब मैं फेंकूंगा तब ये इसके ऊपर स्पीड से जब फेंकूंगा पत्थर को, ये पत्थर स्पेस में चला जाएगा, बट मैं उतने स्पीड से उसको फेंक नहीं पाता। पर जब रॉकेट्स डिजाइन होते हैं ये इसी प्रिंसिपल पे डिजाइन होते हैं भाई, उसको अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ब्रेक करना ही करना है तभी वो स्पेस में जा सकता है। इसको क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी। इसको आपको मोर डिटेल में 11th क्लास में पढ़ाया जाएगा, पर अभी आपको सिर्फ लॉजिक पता होना चाहिए। आपको क्या निकालना है, जी फॉर द मून, भाई मून पे जी का वैल्यू कितना आएगा, बताइए फटाफट। जीरो मैडम, आपका जीरो आया क्या? मेरे को जी का वैल्यू निकल के दिखाओ, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी एट मून। बिग जी आपको पता है, मास ऑफ मून आपको दे दिया है और आपको मैंने रेडियस ऑफ मून भी दे दिया है। आपको जस्ट कैलकुलेट करके बताना है व्हाट विल द जी, 70.1 × 10 की पावर 5। बताओ बेटा फिर से चेक करो, गड़बड़ एकदम बहुत ज्यादा गड़बड़ है। जब अर्थ का केवल 9.8 है तो मून का तो उससे 1/6 कम है। चलो जी की वैल्यू में 6.67 × 10 की पावर -11 × 7.4 × 10 की पावर 22 जी इंटू एम हो गया, नीचे आर स्क्वायर, तो 1.7 × 1.7
इंटू 10 की पावर 12, तो जी को अलग से लिखते हैं 6.67 इंटू 7.4, 1.7 इंटू 1.7 इंटू 10 की पावर 12, मैं -11 इंटू 10 की पावर 22, मैं 10 की पावर 12। इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम 6.7 ले लेते हैं इंटू 7.4, 1.7 इंटू 1.7, ये देखो सारे पॉइंट हट जाएंगे क्योंकि नीचे भी सेम है, तो 67 इंटू 74 एंड 17 इंटू 17, यहाँ पर कितना बचेगा, ये इसको कट करेगा तो 10 बचेगा और ये इसको कट करेगा तो 10 की पावर -1, इसको कट करके आपका आएगा, ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 67 इंटू 74 ये आता है 4958, नीचे 17 इंटू 17 289 इंटू 10 की पावर -1, दोनों को डिवाइड कर दो, 4958 डिवाइड बाय 289 कितना आएगा, 17.15। इसको नीचे 10 लिख सकते हैं, इसका मतलब आपका जी का वैल्यू आएगा 1.72 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ जी, सबका जी का वैल्यू कितना है, 1.7 के आसपास है, कुछ अलग आया है, अथर में सही निकाल था, केवल पावर में गड़बड़ कर गया। सबका लगभग सेम आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि सबको क्या सीखने का मौका मिला, भाई अर्थ का जी, जी ऑफ अर्थ कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी ऑफ मून 1.72 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर हाउ 1.72 1.71, ये बेटा देखो यहाँ पर 5 है ना, बट ठीक है उसको 1 ले लो, मैंने गलत राउंड अप कर दिया, क्योंकि देखो ये आता था 1.715 समथिंग कुछ, ये 6 बन गया, ये 2 बन गया, आप 1 ले लो कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट डेसिमल तक करेक्ट होना चाहिए, 1.7 तक भी करेक्ट आपका, ये सब ने क्या लिया था, 9.8 लिया था ना, तो हमने 1 डेसिमल तक पकड़ा है, तो 1.7 भी करेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थ का जी कितना है 9.8, मैंने कहा ना हम जो ड्राइव करते हैं उसके पीछे लॉजिक होता है, भाई इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो निकाला है जी, इसका मतलब क्या हुआ, बट इसको आप देख के क्या कह सकते हो कि मैंने एक पत्थर अर्थ पे छोड़ा और एक पत्थर मून पे छोड़ा, तो कहां पर पत्थर जल्दी नीचे गिरेगा बताइए, कि स्टोन अर्थ पे जल्दी गिरेगा या मून पे जल्दी गिरेगा, ये फिजिक्स की भाषा है, ये आपको उसके पीछे का लॉजिक भी समझ में आना चाहिए, मैंने ड्राइव तो कर लिया, मैथ्स में क्या होता फॉर्मूला ड्राइव करके आंसर निकाल लेते हैं, लेकिन फिजिक्स में उसका मतलब भी समझ में आना चाहिए। यस एकदम आप लोग करेक्ट हो, तो जो पत्थर समझो आपने एक हाइट ले लिया 1 किलोमीटर अर्थ पे और 1 किलोमीटर मून पे, आपने 1 किलोमीटर ऊपर से पत्थर को छोड़ दिया, तो वो पत्थर अर्थ पे जल्दी गिरेगा एज कंपेयर टू मून। इसका दूसरा मतलब क्या होता है, अगर आप हवा में उछलोगे, आप हवा में उछलोगे तो अर्थ आपको बहुत जल्दी नीचे खींच लेगी, लेकिन मून पे क्या होगा, आप ऊपर गए तो हवा में थोड़ी देर रहोगे और धीरे धीरे आप नीचे गिरोगे। सबको समझ में बात, तो आप हवा अर्थ मून पे हवा में थोड़ा हवा में रह सकते हो, सब एग्री करते हैं इस बात से, बस एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा फिर आज के लिए क्लास को एंड करें, एक बार सब लोग अटेंडेंस दो फटाफट,
वन सेकेंड, आप लोग अटेंडेंस दो पहले फटाफट, और सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, इसका मेरे को रिप्लाई भेजो। एक बार पहले अटेंडेंस दे दो सब लोग फटाफट, और होमवर्क भेजूंगा क्लासरूम ऐप पे, प्लीज चेक इट और होमवर्क करना है सबको। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है, अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स 1 किलो मास पे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लगाता है समवेयर इन स्पेस। बोलो अभी ऑब्जेक्ट कहाँ पर, स्पेस में। तो अगर 1 किलो के मास को 3 किलो के मास से, 3 केजी के मास से हम रिप्लेस कर देते हैं सेम जगह पे, एट सेम प्लेस, तो बताइए जी का वैल्यू कितना होगा। ऊपर एक स्पेस में कहीं एक जगह है जिसे कहा ना, स्पेस में एन का वैल्यू, जी का वैल्यू कम हो जाता है। तो सुनो, एक जगह ऐसे पहुंचे जहां पर उसके ऊपर जी का वैल्यू कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना जी का वैल्यू, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, 1 किलो के मास को उठाना है, वहां पर 3 किलो का मास लगाना है। तो आपसे पूछा है अब वो पत्थर के ऊपर जी का वैल्यू कितना काम करेगा। इस वीक आपका शायद मोस्टली मैथ का टेस्ट होगा, ये सब तो आपका साइंस हुआ था ना, टिश्यूज आई थिंक है ना, ये संडे आपका टिश्यूज का टेस्ट था ना, तो ये सब तो आपका मैथ का टेस्ट रहेगा फिर। तो आपने जो चैप्टर अभी सिलेक्टिव मिला मोस्टली लाइन्स एंगल आपका कंप्लीट हुआ ना, तो आपका लाइन्स एंगल का होगा, और लाइन्स एंगल का मोस्टली सब्जेक्टिव भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी होता है। मैं अपने सर से डिस्कस करके आपको मैसेज करवा दूंगा, ठीक है। ओके, यस, लाइन सिंगल चैप्टर कैसा है, उसमें जितना आप सॉल्व लिख के दिखाओगे उतना ही इजी रहता है, मोस्टली लाइन सिंगल्स कर रहे हैं। चलिए बताइए, 1 किलो मास को हमने 3 केजी मास से रिप्लेस कर दिया, क्या फर्क पड़ेगा, जी का वैल्यू सेम रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन, जी विल बी सेम। सेकेंड ऑप्शन, जी इंक्रीज होगा। थर्ड ऑप्शन, जी डिक्रीज होगा। अथर्व कहते हैं 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, बाकी लोग ऑप्शन ए बी और सी, जैसे ऑप्शन ए जी सेम, ऑप्शन बी जी इंक्रीज होगा, ऑप्शन सी जी डिक्रीज होगा। तेजस कहते हैं सेम रहेगा, शुभम कहता है 3 टाइम्स, अथर्व कहता है इंक्रीज होगा, बाकी सब लोग रिप्लाई दो। शुभम भी कहता है बी होगा, ये सुनकर आपको रिप्लाई पा लिया, बाकी सब लोग रिप्लाई दो कि आप लोग क्या समझ पाएंगे समझ पाए। शुभम धोनी देने बी और सी पिटाई करूंगा, एक आप बड़ा बोलो, बढ़ भी रहा घट भी रहा, पढ़ाई सीरियसली करो। यस, बाकी लोग रिप्लाई करो, क्या जी सेम रहेगा ए, क्या जी बढ़ेगा बी, और सी जी कम होगा। जस कहता है सेम, अखिलेश कहता है सेम, केन कहता है सेम, कोमल भी कहती सेम, गायत्री भी कहती सेम, श्रावणी भी कहती सेम, गुड। ओके ओके आ गए शुमराले, फिर उसने अपना ऑप्शन बदल दिया, अब कहता जी कम होगा, निश्चित भी कहता भी होगा। तो याद रखना बालकों, अर्थ के ऊपर या अर्थ के एटमोसफेयर में, कहीं भी आप जाओ, अर्थ के अंदर जाओ, अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है और दूसरा ऑब्जेक्ट भी इसके बाजू में रखा है, इस केस में क्या है, आर सेम है, जब दोनों का आर सेम है, ऑब्जेक्ट अलग है, मास अलग हो सकता है, बट आर क्या है, सेम है, जब आर सेम होगा तो राइट आंसर इज जी विल रिमेन सेम, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। जी कब चेंज होता है, जब आर कम हो जाए या आर बढ़ जाए, या तो उसी जगह पर रिप्लेस किया, देखो लिखे एट द सेम प्लेस, एक नंबर वाले क्वेश्चन मत भूलो, ये लॉजिक काम आता है। 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर में क्या होता है, आपको रट्टाफिकेशन वाला काम होता है, पर 1 नंबर क्वेश्चन लॉजिक पे काम करता है। हाँ बेटा, उसने क्या बोला ना, उसने बोला एट सेम प्लेस, समझ तो बाकी सेम प्लेस पर, इसका मतलब आर विल रिमेन सेम,
जी इक्वल टू क्या होता है, जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। अगर ये ऑब्जेक्ट है दोनों, जी तो सेम रहेगा हर जगह ऑल ओवर यूनिवर्स, मास ऑफ अर्थ चेंज हुआ क्या? चेंज हुआ, ऑब्जेक्ट उसी प्लेस पर है, आर भी सेम हुआ तो जी भी सेम होगा ना, समझे अथर्व जी? चलिए गुड, आज के लिए इतना काफी है। कल हम जैसे हमने मोशन में तीन इक्वेशंस और पढ़ी थी, v इक्वल टू यू प्लस एटी, फिर हमने क्या पढ़ा था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड हमने पढ़ा था ये वाला v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। उसी तरह ग्रेविटेशन में भी ऐसे तीन इक्वेशन होती हैं, वहां पर एक की जगह g आ जाता है, जैसे फर्स्ट इक्वेशन आपकी बन जाएगी v इक्वल टू यू प्लस जी टी, सेकेंड इक्वेशन आपकी बनेगी एस की जगह एच आया था हाइट यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड थर्ड आपका बनेगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। तो कल हम इन तीन इक्वेशन के ऊपर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, जैसे हमने मोशन चैप्टर में प्रैक्टिस किए थे उसी तरह ये क्वेश्चन कैसे होते हैं। मैंने पत्थर ऊपर फेंका तो बताओ कितनी हाइट तक पहुंचेगा, कितनी देर में वापस आएगा, जब वापस आएगा तो नीचे कितनी स्पीड से टकराएगा, कितने एक्सेलरेशन से टकराएगा, और वो कितनी हाइट तक गया, ऊपर कितना वेलोसिटी होगा, नीचे कितना होगा, नीचे हमने किस स्पीड से फेंका था, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग आज का होमवर्क क्या है, आज हमने जो फ्री फॉल के बाद ये वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन जो कंसेप्ट निकालना सीखा है, इसका डेरिवेशन और फ्री फॉल के बारे में, फ्री फॉल तो हमने कल लिख लिया, तो जिन्होंने नहीं लिखा है वो उसका राइटअप लिखेंगे, और जो हमने एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी ये जो हमने डेरिवेशन अभी सॉल्व किया है ये वाला, कि हमने जी का वैल्यू कैसे निकाला, ठीक है, ये आपको अपनी भाषा में पूरा लिखना है, चाहे एक पेज का ही लिखना है पर लिखना सबको है कि आपको जी का वैल्यू क्लियर होना चाहिए। और आपको दूसरा मास ऑफ मून जो हमने अभी क्वेश्चन किया था वो आपको सॉल्व करना है, दो ही चीज आपको करनी है, वॉल्यूम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसका डेरिवेशन नोट करना, ठीक है, अच्छी तरह, और सेकंड क्वेश्चन आपको मून का जी निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ द ग्रेविटी ऑन द मून। एग्री सब लोग, होमवर्क सबको क्लियर है? ओके चलिए, थैंक यू वेरी मच, कल मिलेंगे फिर सेम टाइम पे 5 बजे। अरे बोल, किसी को डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो।